सदरा बात करिए, मेरा एक क्वेश्चन है कि जी जैसे आप कह रहे हैं कि पेटेंट हो तो वो आपको सू कर देते हैं अगर किसी आप वही प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं या फिर गेटेड, तो अगर हम इतनी मेहनत करते हैं एक प्रोडक्ट हंट करते हैं सोर्स करते हैं और फिर अगर हमें पता चले पेटेंट है, तो क्या ये पहले नहीं पता चल सकता हमें नहीं, कि ये पहले आ कैसे पता चलेगा? आप हर प्रोडक्ट को उठा के पेटेंट चेक करेंगे, पेटेंट पेड होता है, कितनी चीजें पेड, कितनी पेड अच्छा आप करेंगे, पेटेंट पेड है। मैंने आपको बताया $10 या $12 में आपको पता चलेगा, फाइवर से या किसी फ्रीलांसिंग वेबसाइट से आप उनसे फिर सर्टिफिकेट लेते हैं कि हमें दिखाएं। अच्छा तो हाँ अगर कोई पेटेंट निकल आता है तो इट मींस कि हमारी सारी मेहनत जाया होगी, फिर दोबारा से प्रोडक्ट हंटिंग हाँ और वो सारा कुछ फिर करना हाँ पड़ेगा। फिर हमें डिजाइन बदलना पड़ेगा। कंपिटेटर अगर है ना, फर्ज अच्छा करें टॉप 10 में है, तो टॉप 10 के जो ब्रांड्स हैं, लाजमी तो नहीं है ना कि उनकी शक्लें भी सिर्फ सबकी एक जैसी हो, उनके डिजाइन एक जैसे हो। हमारा बिल्कुल तो जो हमने बिल्कुल कंपिटेटर चूज किया है, वो कंपिटेटर जो हो सकता है पेटेंट निकला है, तो फिर हम कंपिटेटर दूसरा चूज करेंगे अगर स्टैट्स बहुत ही अच्छे हैं तो। ठीक है ठीक ठीक है, इसीलिए जब है आप हंट करके लॉन्च करने जाते हैं ना, तो कम से कम आपके हाथ में 10 प्रोडक्ट्स होते हैं, फिर उन 10 प्रोडक्ट्स के अंदर से सारी चीजें निकल के एक प्रोडक्ट निकलती है। यानी खैर 10 के ठीक हमारे पास लिस्टिंग, बुलेट पॉइंट्स, डिस्क्रिप्शन सब तैयार होना चाहिए। है, लिस्टिंग बाद की बात है, ये सोर्सिंग में ही हम हाँ पेटेंट चेक नहीं कर लेते हैं। हाँ हाँ ठीक है हम ठीक तो प्रोडक्ट सोर्स करने से पहले भी पेटेंट चेक करते हैं। जब सोर्सिंग स्टार्ट होती है ना, आप अलीबाबा पर जाते हो और काम करना शुरू करते हो, उसी टाइम आप पेटेंट जोन से है ना, जैसे ही आपको लगता है कि इसकी प्राइस अच्छी मिल जाएगी, नाउ वी आर इजी टू गो, आप सबसे पहले पेटेंट चेक करते हैं। ठीक है, डिजाइन भी पेटेंट होता है प्रोडक्ट डिजाइन के को ही अलावा? पेटेंट कहते हैं, डिजाइन को ही पेटेंट कहते हैं। अच्छा देखिए अच्छा मोहसिन भाई, वो जो डिजाइन है वो पेटेंट है, ओके ओके, पे लाइक उस वो डिजाइन प्रोडक्ट। उस हाँ प्रोडक्ट नहीं हो सकती, प्रोडक्ट कैसे पेटेंट? अच्छा प्रोडक्ट अच्छा अच्छा तो नहीं, वो लाखों गेटेड लोग अनगेटेड यूज, होती है, सॉरी हाँ वो सॉरी, गेटेड गेटेड अनगेटेड अनगेटेड होती होती है कैटेगरी, है, गेटेड अनगेटेड वो आपको पता है वो सही है। अनगेटेड वजह। खैर सबको सबके जवाब में इसलिए देना चाहता था लिस्टिंग, ताकि लिस्टिंग आपके जहन में क्लियर होनी चाहिए। आप 5 दिन इंडिविजुअल अकाउंट बनाना है, और लिस्टिंग जो होती है वो अकाउंट बनाकर कम से कम एक दो बंदे जरूर लेकर आए। ठीक है, अच्छा मैं कोशिश इंडिविजुअल कर रहा अकाउंट के हूं, लिए जो रिक्वायरमेंट क्रेडेंशियल्स है उसका क्या 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 है? अभी अभी मैं यही बताने लगा हूँ। देखिए sellercentral.amazon.com, इस पर जाएं, ये आपका अकाउंट खुलने लगा है सेलर सेंट्रल पे यूएसए की मार्केट में। आगे समझ? अमर भाई एक सवाल था, वो फिर आखिर में कर लूं या फिर किससे रिलेटेड है? वो है इसी से ही, मतलब लिस्टिंग से रिलेटेड था एक। जी जी कर लें कर लें कर लें। अच्छा ये पूछना था कि हम जैसे मतलब एक प्रोडक्ट टॉप 10 हमने ढूंढ लिए, तो हर एक का हम जैसे अब मैनुअली यूज में से ओपन करें, ठीक है, उनको उनका मतलब ASIN हम कॉपी कर लें और सेरिब्रो में अगर डाल लें, तो वो भी तो हमें कीवर्ड उस मतलब लिस्टिंग में से निकाल के दे नहीं देता हाँ या वो भी नहीं देता? निकाल के दे, वो भी निकाल के दे देते हैं आप। उससे कर लें, उससे कर लें, कोई तो मसला बता नहीं। सकते हैं हम? हाँ उससे कर लें, सेरिब्रो को यूज कर लें, वो भी आसान है, उस तरह कर लें। मैनुअल हंटिंग जरा ज्यादा एक्यूरेट हो जाती है, लेकिन सेरिब्रो भी ठीक है, सेरिब्रो भी ठीक है, अच्छा सेरिब्रो का, हाँ सेरिब्रो भी ठीक है। सेरिब्रो और मैग्नेट में थोड़ा सा आपस में क्लैश आता है, लेकिन ठीक है। लेकिन उस सेरिब्रो के अंदर फिर जब आप वर्ड निकाल लेंगे, फिर उस पूरे वर्ड्स को आपने डालना होता है ना उसमें, मैग्नेट में तो फिर डाल के देखेंगे ना, मैग्नेट में तो डालेंगे ना दोबारा CPR चेक करने के लिए, पहली बात। दूसरी बात, आप जब सेरिब्रो को SN दे देते हैं ना, तो वो सारे के सारे कीवर्ड उठा के ले आता है, फिर ये नहीं पता चल रहा होता कौन सा कीवर्ड डिस्क्रिप्शन में यूज हुआ हुआ है, कौन सा बुलेट पॉइंट में यूज हुआ है, कौन सा टाइटल में यूज हुआ है। फिर मैनुअल हंटिंग होती है ना, उसमें आपको ये पता चल रहा होता है कि हमने जो पहले 2000 सर्च किए हैं, ये हाई सर्च वॉल्यूम है और ये उसके हैं टाइटल के कीवर्ड, समझ आ रही है? जी तो ये चीजें हैं। जी बहरहाल ठीक खैर आप उससे भी है। कर सकते हैं, आप टेक्निक बना सकते हैं। अच्छा चले, हमने देख लिया पहला, हमने सेलर सेंट्रल, ये डिफरेंस बता रहा हूँ, सेलर सेंट्रल डॉट अमेजोन डॉट कॉम ये किएगा, तो ये यूएसए की वेबसाइट है, ये देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है $39.99 अ मंथ प्लस सेलिंग फीस। सेलिंग फीस तो वो होती है जो अमेजोन हर कैटेगरी पे काटेगा, वो खुद ही ऑटोमेटिकली काट के आपको दे देता है। मतलब मैं आपको बता रहा था ना, $8 है तो आपके अकाउंट में 6 ही आते हैं, 2 फीसेस में कट जाते हैं, लेकिन ये एक मंथली फीस भी लेता है यूएसए में, जो पाकिस्तानी इस वक्त 7-1 हज़ार रुपये बनते हैं पर मंथ, आपको पे करने पड़ेंगे, चाहे आप सेल करें ना करें, लिस्टिंग करें ना करें। जिस दिन आपका सेलर सेंट्रल अकाउंट रजिस्टर हो गया, बिजनेस सेलर सेंट्रल अकाउंट, आपको ये पे करने पड़ेंगे। लेकिन यूएसए में पॉलिसी नहीं है, यूएसए कहता है हमें आपने £25 जो है
वो वैट की मद में देना होता है जब आपके 80,000 पाउंड से इंक्रीज हो जाता है रेवेन्यू। ठीक है, ये 25 पाउंड जो है इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, ये कितनी अमाउंट बनती है, कैसे बनती है, इसके पीछे भी एक कैलकुलेशन है, लेकिन मैंने सिर्फ आपको सिर्फ ये फर्क बता दिया यूएसए और यूके के अंदर। ठीक है, उसके अलावा अमेजोन कहता है कि अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाते हैं और अपना ब्रांड नहीं रजिस्टर कराते और इंडिविजुअल अकाउंट पे आप काम करना चाहते हैं, तो इंडिविजुअल अकाउंट बेसिकली क्या करता है, आप एक तो 40 यूनिट से ज्यादा सेल नहीं कर सकते मंथ में, और 0.99 डॉलर पर उसमें आपको देने पड़ते हैं, पर यूनिट सेल में देने पड़ते हैं, इस तरह का को कोई क्राइटेरिया उनका। ठीक है, दूसरा ये रह गया कि जब आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाते हो तो कहते हैं कि अगर आपकी सेल अच्छी जा रही है तो हो सकता है आपका डिजाइन कोई ब्रांड कॉपी कर, इसीलिए पेटेंट। हर अच्छे ब्रांड ने अपना डिजाइन पेटेंट कराया होता है, बात याद रखिएगा, हर अच्छे ब्रांड ने अपना डिजाइन पेटेंट कराया होता है, लेकिन हम क्योंकि पाकिस्तानी हैं, हम ऐसी चीजें ढूंढ ही लेते हैं जो पेटेंट नहीं है। और कहा यह जाता है प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर कि अगर आपको कोई नॉन पेटेंट प्रोडक्ट मिल गई है, डिजाइन मिल गया है, मतलब एक प्रोडक्ट है उसका नॉन पेटेंट डिजाइन मिल गया और वो चल भी बहुत ज्यादा है, फटाफट उसको पेटेंट करा दो, इससे पहले उसे कोई और पेटेंट, किसी और ने पेटेंट करा दिया तो आपके ऊपर वसूल कर सकता है, भाई अब अगली अगली इन्वेंट्री तुम नहीं बेच सकते। लेकिन दुनिया फिर भी चल रही है, अभी भी मेरा ख्याल है लाखों प्रोडक्ट्स ऐसे हैं विदाउट पेटेंट चले। फिर जब बाद में पेटेंट होता है ना, तो फिर आपको अमेजोन आपके अकाउंट को सू नहीं कर, मतलब सॉरी ब्लॉक नहीं करता, वो आपको कहता है अपनी इन्वेंट्री खत्म कर लें, क्योंकि आपकी इन्वेंट्री तब की आई हुई है जब हमने प्रोडक्ट पेटेंट नहीं किया। पेटेंट के चार्जेस होते हैं, नॉर्मल अकाउंट उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। मैंने लास्ट टाइम पूछा था तो कोई बंदा मुझे बता था 2.5 से 3 लाख चार्जेस हैं एक डिजाइन को पेटेंट कराना, तो 2.5 से 3 लाख में तो हमारी पूरी इन्वेंट्री बन जाती है यार। तो स्टार्ट में समझ आ गई होगी मेरी सारी बात आप लोगों को, तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। पूरा ड्रीम्स 21 के कुनाना करते हुए 32 प्रोडक्ट्स तो मेरे सामने लॉन्च हुई थी और वो इनके अंदर से एक भी उन्होंने पेटेंट नहीं करवाया। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? ये मैं कह रहा था कि अगर मतलब डिजाइन हो उसका पेटेंट हो, सिर्फ हम अपना लोगो लगवा दें उस पे तो भी मतलब नहीं, कस्टमाइजेशन आप लोगो डब्बे के, लोगो डब्बे के ऊपर लगाएंगे ना, 22 क्यूब की बार के ऊपर कहाँ आप लोगो लगाएंगे? लगवा सकते हैं, हम प्रिंट करवा सकते हैं। नहीं, वो अगर आप प्रिंट करवाएंगे ठीक है, डिजाइन बदल जाएगा मान लिया, लेकिन हो सकता है वो लोगों को पसंद भी ना आए आपका लोगो, अगर लोगों को नहीं पसंद आता इस क्यूब के ऊपर फिर क्या करें? ठीक है, तो ये रिस्क हो जाता है, कर तो सकते हैं हम। अच्छा खैर, इन दोनों में फर्क आप लोगों ने देख लिया कि क्या है। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ आके आपने साइन अप करना है। ठीक है, इंडिविजुअल अकाउंट के लिए हम किस में कर रहे हैं? हम यूके में कर रहे हैं। ठीक है, फॉर्म दोनों के एक ही जैसे। अब आपने क्या करना है, रजिस्टर क्रिएट अमेजोन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर चले जाएं, पहला नाम, दूसरा नाम, ईमेल, यार नाम तो हम एक्स वाई जी लग देते हैं यार, ईमेल नहीं है किसी के पास, कोई एक्स्ट्रा ईमेल पड़ी है जीमेल की? जीमेल के अलावा कोई टेम्पररी ईमेल चल जाएगी? टेम्पररी ईमेल भी चल जाएगी, जीमेल लाजमी नहीं चाहिए। तो मैं कॉपी पेस्ट करके भेजूं फिर आपको, इधर ही बता दें तो सब इसके तो। लिए क्या फेक ईमेल बनानी पड़ेगी? जी जी, फेक ईमेल नहीं, अपने इंडिविजुअल अकाउंट के लिए सही ईमेल बना लें, कोई मसला नहीं है। फेक वही कह रहा हूँ, क्रेडेंशियल किसी के होंगे, बस उससे मिलते जुलते नाम की बना लें कोई भी। समझ आ रही है? ईमेल बनाना कौन सा, देखते हैं यार, चेक करते हैं, शायद ऐसे ही चल रहा। नहीं वो अच्छा, नाम नाम क्या डालना है, क्योंकि सर ईमेल को भी तो वैलिडेट भी तो करना पड़ेगा ना, ऐसे ही कैसे? हाँ, करना तो पड़ेगा, इसीलिए वैलिडेट कैसे होगा? फेक नहीं, फेक फेक आप बनाएंगे, आप जीमेल का अकाउंट बनाएंगे ना, वो फेक थोड़ी होगा, जीमेल का अकाउंट बनाएंगे फेक कैसे होगा? जीमेल पे आपने अकाउंट बनाना है, देखिए वो ईमेल एड्रेस, इंटर वैलिड ईमेल एड्रेस, ये ईमेल एड्रेस एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, अब जब वो एग्जिस्ट नहीं किया तो उसने कहा है कि वैलिड डालिए, इसके ऊपर वो जाके कोड अभी भेजे यार के, इसके ऊपर एक कोड भेजेगा, वो कोड हाँ अच्छा, कोड भेजेगा ये वाला डाल के देखने जो अभी भेजा है मैंने जूम पे ही। हाँ वो मैंने वही डाल, शायद ये वर्क, हाँ वही डाल रहा हूँ इसका, ये इसको डाउट पड़ गया मेरा ख्याल है कि हम लोगों ने जो है ना वो
चीज को, कोई फेक चीज हम डाल रहे थे। अब आप खुद सोच लें कि या कि जो है ना इसको कितनी जल्दी पता चलता है कि हमने इसके साथ कोई दो नंबरी करने की कोशिश की। ये आप पता नहीं क्या चीज खोल दी है इसने, चलो दफा दे दी होंगे। खैर ये मुदस्सिर भाई आपके पास ओटीपी आया होगा, चेक करके जरा बताएं, चैट पर ही सेंड कर दी। एक ही दफा पूछेगा, इसके आगे नहीं पूछेगा। मोबाइल नंबर किसी के पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, कोई कोई सिम शिम पड़ी हुई है जिसको हम यहाँ डाल सकते हैं, यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, किसी के पास पड़ी हुई है कोई सिम, कोई नंबर ऐसा जो हम यहाँ डाल सकते हो जो यूज में ना हो सर? हाँ जो यूज में मतलब, लेकिन अभी वो मेरा ख्याल है सिम मांगेगा, वो ओटीपी मांगेगा अभी, हो बाद में बेशक ना। मैं अपने सारे क्रेडेंशियल यूज कर सकता हूँ, साथ में चारों यूज कर सकता हूँ क्योंकि मैंने वो अप्लाई किए, मैं चारों उसके ऊपर अप्लाई किया। अगर नहीं है किसी के पास तो हम यहाँ पे चलाने की कोशिश करते हैं, कॉम पे चला लेते हैं। या असल में आप देखिएगा जब हम इसको फिल कर रहे हैं ना, आप देखिएगा दोनों मांगते भी थोड़ा वो है, दोनों मांगते भी लादा लादा चीज है। ओटीपी बताइएगा आ गया होगा आपके पास। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है amazon.com और .co के अंदर अकाउंट क्रिएशन में? जी सर, वो तो कॉलम फिल करने हैं, दोनों के इंटरफेस तो तकरीबन सेम ही होगा। हाँ जी, इंटरफेस सेम है, सिर्फ इंटरफेस सेम है, कभी कभी ये चीजें जो है ना वो मांग लेता है, जिस तरह लाइक के तो सर इसमें ये कोई बैंक अकाउंट्स की डिटेल वगैरह तो नहीं मांगता? डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड मांगेगा, वहाँ पे हम क्विट करेंगे, वहाँ से हम आगे नहीं जाएंगे। मैं सिर्फ आपको वहाँ वही बताऊंगा, क्रेडिट कार्ड के बगैर नहीं हो सकता? नहीं, मेरे क्रेडिट कार्ड के बगैर नहीं हो सकता, और आपका या तो इंग्लिश CNIC होना चाहिए या फिर आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। ये दो चीजें, दो ही ऑप्शन देगा, या CNIC की देगा या आपके पासपोर्ट को पिक करें। इंग्लिश CNIC जी, इंग्लिश CNIC, इंग्लिश CNIC का मतलब यह है कि एक CNIC चिप वाला भी होता है ना, वो इंग्लिश होता है, एक उर्दू भी होता है, दोनों में फर्क है। नादरा ने पाकिस्तान, हाँ हाँ, नादरा ने दो कार्ड इशू करता है, मतलब दो किस्म के कार्ड है, एक इंग्लिश है, इंग्लिश चिप वाला है। हाँ जी, वो चेक कर लीजिएगा, चिप वाला ही है, दूसरे में चिप नहीं, वरना फिर चिप वाला वहां से जाके बनवाना पड़ेगा। हाँ, किसी दोस्त यार का, किसी कजन का पासपोर्ट यूज करने में है तो सबसे आसान, लेकिन क्रेडिट कार्ड होना जरूरी है। प्रॉब्लम ये है अकाउंट क्रिएशन में, देखिए आपको छोटी चीज नहीं करने जा रहे, ये जो इंडिविजुअल अकाउंट है इसको आप बिजनेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो बाद में आप बिजनेस में करेंगे 10 मिनट में आपको, इसीलिए यहाँ पर ये बहुत लेते होंगे ये पर मंथ या पर ईयर? नहीं नहीं, इसके नहीं रहते, इंडिविजुअल अकाउंट का कोई चार्ज नहीं। ठीक है, और दूसरी मेरी बात, किसी और का आईडी कार्ड नंबर डाल दें तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? नहीं नहीं, प्रॉब्लम क्या, आप उनको बता कर डालेंगे ना, मैं अमेजोन पे इंडिविजुअल अकाउंट अपने लिए बना रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। असल में ना मैं आपको बात बताती हूँ, ठीक है यार, डॉक्टर सेवा आपके पास वो आया होगा OTP आया होगा, वो सेंड कर दें जो नंबर आपने लिखवाया था। अच्छा मैं आपको बात बताता हूँ, देखें पता क्या है कि आपको प्रॉब्लम CNIC तक भी नहीं है, प्रॉब्लम पासपोर्ट तक भी नहीं है,
ये सारे बंदे सुने, ये तो यूं मिल जाता है किसी दोस्त को कहें। प्रॉब्लम वहां से शुरू होता है जब आप उनसे उनका क्रेडिट कार्ड मांगते हैं। हर बंदा घबरा जाता है, यार क्रेडिट कार्ड में दे दूं मेरे पैसे कट जाएंगे मंथली, क्या हो जाएगा, वहां से फंसते हैं। उसके बाद क्रेडिट कार्ड के बाद आपने बैंक स्टेटमेंट भी दे दी, अब बैंक स्टेटमेंट आपको कौन देगा? अपना क्रेडिट कार्ड भी दे और अपनी बैंक स्टेटमेंट, कोई भी नहीं मतलब देता, बड़ा मुश्किल। क्रेडिट कार्ड है उसी की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, उसी की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ये मैच होती है। मेरा एक अकाउंट रिजेक्ट हुआ है, इसके ऊपर मैंने डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन दी, डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन दी और फिर मैंने वो डाला तो उसने कहा कि ये दोनों मैच नहीं कर रहे। हालांकि वो मैच करना चाहिए था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि अगर आप क्रेडिट कार्ड देते हो तो फिर आपको मतलब ना क्रेडिट कार्ड की भी बैंक स्टेटमेंट एक निकलती है, वो देनी पड़ती है। इस तरह का सीन है, मतलब सीन यही है कि बहरहाल जिसके जो आप यूज कर रहे हो क्रेडेंशियल वो एक ही बंदे के यूज कर रहे हैं। इवन उसका नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी हर एक चीज सेम होनी चाहिए जो इन जगह। क्रेडिट कार्ड किसी का अकाउंट स्टेटमेंट मेरा नहीं चलेगा? नहीं नहीं, कभी भी नहीं चलेगा, ये बड़ा मसला है। इसमें तो हम मोस्टली लोग फंसेंगे। ये देखें, इसके बगैर ना अगर आप ये नहीं करते तो आपके पास इसका मतलब है इंडिविजुअल अकाउंट मौजूद नहीं है। इंडिविजुअल अकाउंट होना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन इसकी मैं आपको फिर एक और तरकीब बताऊंगा, अगर किसी बंदे से नहीं मिल बन रहा और नहीं बन पा रहा तो हम इंडियन क्रेडेंशियल के ऊपर बना लेते हैं। इंडियन क्रेडेंशियल के ऊपर कुछ भी नहीं मांगता, लेकिन वो 5 दिन के बाद ब्लॉक कर देगा, फिर आपको नया ईमेल बनाना पड़ेगा, फिर अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर नया ईमेल, हाँ, और कंटिन्यूअसली ईमेल नहीं चल सकता, सेम ईमेल नहीं चल सकता। और अगर आप कंटिन्यूअसली उसके ऊपर ये काम करते रहते हैं, ये हरकतें करते रहते हैं, तो फिर आपके साथ ये हो जाता है कि आपकी आईपी एड्रेस को अमेज़न ट्रेस करता है, कहता है बंदा आई इसको बंद करो इसकी आईपी एड्रेस से। यहाँ से आप देखें, हमने थोड़ा सा ऊपर नीचे किया, ये सारी चीजें ये नहीं मानता, ये अभी इसको शक पड़ गया वो फजल वाला है कि मेरे साथ इन्होंने ये कोई हिट एंड ट्राई रूल के ऊपर चल रहे हैं, और हिट एंड ट्राई रूल के ऊपर नहीं चलने देना, ठीक है? चेंज नहीं पड़ा होगा। अच्छा सुन रहे हैं सारे? अच्छा, उसके बाद आपके पास SCC एक विंडोज ओपन हो जाएगी, ठीक है? इस SCC विंडोज के ऊपर सबसे पहले आपने यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। हम सब लोगों के लिए बड़ी अच्छी बात है कि ये पहले यहाँ पाकिस्तान नहीं आता था, ये अब आया पीछे एक महीना, ठीक है? यहाँ से इसको सर्च कर जी, और यहाँ से ये अब आपसे पूछ रहा है कि आपने कौन सा अकाउंट बनाना है। पहला होता है ये एंटिटी टाइप है, ये हमारे किसी काम का नहीं है। स्टेट ऑन बिजनेस, ये भी हमारे किसी काम का नहीं है कि हम किसी उसमें नहीं है। पब्लिसिटी लिस्टेड बिजनेस, पब्लिकली सॉरी लिस्टेड बिजनेस, इस ये भी हमारे काम का नहीं है। हम जब प्राइवेट लेबल करेंगे तो हम इसको क्लिक करेंगे, प्राइवेटली ओन बिजनेस, हमारा अपना प्राइवेटली बिजनेस। चैरिटी हम किसी NGO के लिए नहीं बना ले, फिलहाल हमने जाना है इसमें से कोई भी नहीं है, मैं इंडिविजुअल, ठीक है? अब देखें, उसने पर एक एरर देता है कि इंडिविजुअल सेल्स ना प्राइवेट कॉन्टैक्ट्स और ये वो सारा कुछ करके हमें अलाउ करता है यार कि इंडिविजुअल ना करो, ये आप प्रोफेशनली काम नहीं कर सकते, ब्ला ब्ला, ठीक है? अब यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, कुछ भी लिख देते हैं यार, कुछ भी लिख देते हैं, ऐसे ये आपने एग्री कर लेना। एग्री करने के बाद आप देखिएगा नेक्स्ट पेज पे जाएगा, एक नया फॉर्म ओपन होगा, वहाँ पे कुछ हमारी चीज़ें होंगी जो हमने पे करनी होंगी, मतलब सॉरी फिल करनी होंगी। ये मेरी तरफ से नेट स्लो है, ठीक है, इतना टाइम नहीं लेता। फिर यहाँ पर आप पाकिस्तान लिखें कि आप किस कंट्री के सिटीजन हैं, पैदा कहाँ हुए हैं, पाकिस्तान में ही हुए हैं। अगर बाहर पैदा होते तो हम सबके लिए आसान होता, सेलर सेंटर बनाना भी मुश्किल है, पाकिस्तान में पैदा हुआ। डेट ऑफ बर्थ कोई भी डाल दें, 18 साल से ऊपर डालनी है, नीचे ना डालिएगा, ठीक है? अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि पासपोर्ट के पे बनाना है या फिर नेशनल आईडी कार्ड पे बनाना है, ठीक है? ये दो चीजें पूछ रहा है। अब अगर हमने पासपोर्ट पे कर देते हैं, चले उसकी डेट भी डाल दी, ठीक हो गया। कंट्री इशू हम यहाँ से पाकिस्तान कर लेंगे, ठीक हो गया। अब ये स्टेट रीजन वगैरह पूछेगा, स्टेट रीजन पे हमने पाकिस्तान ही लिखना है, ठीक हो गया। सिटी टाउन में आप
इस्लामाबाद लिखने हैं, स्ट्रीट एड्रेस वगैरह कुछ भी है, 27 ही खाली कुछ भी लिखने हैं अपने, मतलब फॉर्म फिल करें और उसके बाद जो है ना वो इसको वैलिड कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट से पहले हमें जो है ना ये नेक्स्ट अभी तक नहीं आएगा जब तक पहले आप इसका ओटीपी फिर डालेंगे, एसएमएस पहले चेक करिएगा आपके पास आया होगा इसका ओटीपी फिर से एक और, होपफुली हमारे उस पॉइंट तक चला जाए जहां तक हम कह रहे थे कि जाना है। सो क्रेडिट कार्ड, अभी मुझे किसी बंदे ने बताया कि डेबिट कार्ड मिजान बैंक का चल रहा है, ठीक है, अगर आप डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन डालते हैं मिजान बैंक की वो चल रहा है, लेकिन मैंने डाल के देखी तो मेरा उसने रिजेक्ट कर दिया। अब मैंने अपना डेबिट कार्ड के ऊपर ही मिजान बैंक का, वो मेरा नहीं है, मेरा लाइट में अकाउंट है, उस एक बंदे को दिया हुआ है, उसने आज शाम इंशाल्लाह मुझे बताना है होपफुली कि हम सब के लिए एक कम से कम इंडिविजुअल अकाउंट बन जाए पाकिस्तानी क्रेडेंशियल पे, ताकि हम सब उस पे आसानी से प्रैक्टिस कर लें, ठीक हो गया। वैसे तो मिजान का डेबिट कार्ड एक्सेप्ट होता है, मिजान बैंक का कहते हैं, हिट एंड ट्राई रूल है, लोग कहते हैं कि होता है, अब ये पता चलेगा जिस टाइम वीजा कार्ड है मेरे पास, क्रेडिट कार्ड है। आपकी आवाज कट रही है सर, क्रेडिट कार्ड है मेरे हस्बैंड का है, तो मैं उसको बता दूंगी। हाँ आप कर लीजिएगा, जिनके पास है उनके लिए तो बहुत अच्छी, उनकी दोनों उंगलियां घी में हैं, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। ये देखें पासपोर्ट नंबर मांग रहा है, अच्छा बहरहाल ऐसा है कि यहाँ पे नेशनल आईडी कार्ड कह देते हैं, ये मैंने फेक लिखा है, आप चला ले तो उसकी मेहरबानी, क्योंकि हमें नेशनल आईडी कार्ड तो यहाँ पर किसी का नहीं यार शो नहीं कर सकता ना। ठीक है, ये दूसरी बिलिंग पर हम आगे, अब बिलिंग पर ये बता रहा है कि देखें जी अगर आपने ग्लोबली सेलिंग करनी है तो इसके ये चार्जेस होंगे, ये फायदे होते हैं, ये सारी चीजें बताता रहता है, ठीक है। ग्लोबल सेलिंग का मतलब ये है कि अगर हमारी प्रोडक्ट यूके के अंदर लॉन्च हुई है और मैं यहाँ से बैठ के पाकिस्तान से उसको ऑर्डर करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, लेकिन हम स्टार्ट में ये नहीं करेंगे, हम सिर्फ यूके में अगर लॉन्च करते हैं तो हम यूके की मार्केट में उसको बेचेंगे, हम बाहर के बाहर को नहीं अलाउ करेंगे, क्योंकि अगर बाहर के बाहर को अलाउ करते हैं ऑर्डर आता है नहीं आता हमें पैसे देने पड़ते हैं उनके बीच। इसी तरह जब हमारा अपना कंपिटेटर होता है ना, हम कंपिटेटर को कहते हैं कि जी कंपिटेटर जो है वो आके मतलब हम उससे सैंपल मंगवाएं, तो हर कंपिटेटर हमें पाकिस्तान में सैंपल भी नहीं भेजेगा। हो सकता है जो टॉप 10 क्यों 10 के 10 ग्लोबल ना करते, तो फिर हमें इसके लिए दूसरा तरीका अपनाना पड़ता है। दूसरा तरीका ये होता है हम यूके में किसी कजन यार दोस्त को कहते हैं यार वो ऑर्डर कर दो, वो ऑर्डर वहां से फिर वहां से हमें कोरियर करके भेजता है, समझ आएगी, ये प्रोसेस चला जाता है। हम भी ऐसा नहीं करेंगे कि हम ग्लोबली करने दें, ठीक है, मतलब वो सैंपल फिर आपका एक्सपायर रहता है आपके किसी वैसे यूज का नहीं होता। हाँ नहीं होता हमारे किसी बिल्कुल ये नहीं करेगा वेरीफाई, यहाँ आके रो किएगा इससे ये तो इनको सही नंबर चाहिए, अगर यहाँ से कर भी लेगा ना तो आगे जाके रिजेक्ट कर देगा, क्रेडिट कार्ड टाइप इज नॉट सूटेड, बैंक का नाम नहीं पूछेगा सर, नहीं वो क्रेडिट कार्ड से अपने आपके कार्ड से ना वेरीफाई कर लेता, अब ये नहीं वेरीफाई कर रहा। अच्छा यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है किसी भी किस्म की? मेरे ख्याल से तो किसी को नहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब जिसन
मैं आप लोगों को इस सब इस पूरे केस की ना, क्योंकि यहाँ मैं आपको कर कर तो दिखा सकता हूँ, मैं अगर यहाँ पर आपको कर कर दिखाऊंगा तो सारा सीन हो जाएगा, लेकिन मैं किसी की क्रेडेंशियल्स यूज नहीं करना चाहता। किसी के क्रेडेंशियल यूज करेंगे यूट्यूब के ऊपर चले जाएंगे, समझ आ रही। वहां नंबर तक या ओटीपी तक तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन अब मैं यहाँ से किसी का क्रेडिट कार्ड तो उठा कर नहीं डाल सकता ना, समझ आ रही। मैं डेबिट कार्ड मेरा अपना भी पड़ा है लेकिन मैं नहीं डालना चाहता। तो मैं आप सबको एक इसकी बड़ी बेहतरीन सी वीडियो सेंड करूंगा, ठीक है। तो वीडियो आपने फॉलो करनी है और आपका अकाउंट बन जाएगा, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। इसके बाद अपलोड कर देंगे आपसे। हाँ, मैं आपको सेंड कर दूंगा, लिंक सेंड कर दूंगा। वो लिंक आप क्लिक करेंगे ग्रुप में तो आप, अच्छा बिलिंग के अंदर तो आपने देख लिया, मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ होना क्या। बिलिंग के अंदर आपने देख लिया, इन्फॉर्मेशन डालेंगे, नेक्स्ट करेंगे, बिलिंग ओके हो जाएगी। जब ये स्टोर करेंगे ना तो स्टोर में सिर्फ आपसे स्टोर का नेम पूछेगा कि नेम क्या लिखना है, रखना है। आप कोई यूनिक सा नेम रख लीजिएगा, वैसे तो कुछ भी रख दें, पाकिस्तानी माशाल्लाह कोई किस्म के स्टोर नहीं बनेंगे, अपना नाम भी रखेंगे वो रखते, ठीक है। तो अच्छा सा नेम रख के या जैसा भी नेम रख के आपने क्या करना है, वो अगर आप नेक्स्ट करेंगी, वो अगर नेम किसी और ने लिया हुआ, उस नेम का किसी और कोई और स्टोर हुआ है अमेजोन पे, तो आपको अलाउ नहीं करेगा, आपको कहेगा नेम बदले, ठीक है। इस स्टोर वाली जगह पे सिर्फ वो यही पूछेगा। यहाँ से आगे जब आप वेरिफिकेशन में पहुंचेंगे ना इस सेक्शन में, ठीक है, एक और देखिएगा, इस सेक्शन में पहुंचेंगे, यहाँ पर आपको तीन पिक्चर्स अटैच करनी पड़ेगी। पहली पिक्चर होगी आपके सीएनआईसी की फ्रंट साइड, दूसरी पिक्चर होगी सीएनआईसी की बैक साइड, और तीसरी आपको बैंक स्टेटमेंट अटैच करनी पड़ेगी, समझ आ गई। ये आप किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हैं, जेपीजी वगैरह सब में कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी ऐसे फॉर्मेट में कर रहे हैं जिसमें नहीं है तो वो पिक ही नहीं करेगा, पीडीएफ में भी कर सकते हैं, ठीक होगा। उसके बाद आप ओके कर देंगे, ओके के बाद वो 60 सेकंड का ट्रायल चलेगा इधर, और 2 डेज बाद वो कह देंगे आपको, आपको बता देंगे भाई आपके अकाउंट में कोई मसला है नहीं है, वेरीफाई हुआ है नहीं हुआ, लेकिन विद इन 2-3 आवर्स आपको मेल आ जाती है अगर कोई प्रॉब्लम हो। और मुझे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे प्रॉब्लम ये आ रहा है कि यहाँ पर जाने के बाद चारों के चारों अकाउंट्स के ऊपर वो ये बैन लगा रहा है कि हमें आपके क्रेडेंशियल रीडेबल नहीं, हालांकि पॉसिबल ही नहीं है, वो स्कैन करके लगे। फिर तीसरी दफा जब बार बार करके उन्होंने मुझे कहा, तो उस पर उन्होंने अब मुझे कहा है कि आपके बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट मैच नहीं कर रही। इस एरर के ऊपर मुझे ये लगा है कि मैंने मिजान बैंक का डेबिट कार्ड डाला है, वो क्रेडिट कार्ड मांग रहा है, और मैंने जो अपने एक्सपर्ट्स हैं जो मेरे अकाउंट क्रिएट करते रहे हैं, और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यहाँ पर कोई पॉलिसी बदली है, तो उन्होंने कहा कि अहमद भाई क्रेडिट कार्ड के अलावा नहीं उठाएगा, आप मिजान बैंक का बेशक ट्राई करके देख लें लेकिन नहीं उठाएगा, ठीक है। तो ये सारा सिनेरियो, बाकी किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक या आगे तक? अहमद भाई, क्या हम ये कर सकते हैं कि अगर हम मतलब ये वाले अपने ओरिजिनल जो क्रेडेंशियल्स हैं ये हम इसमें डाल लें, पाकिस्तान से मतलब अकाउंट बना लें, और यूके के जब हम करेंगे, फर्ज करें उधर हम बनाना चाहें अकाउंट, तो वो तो यूके के क्रेडेंशियल्स यूज होंगे ना? हाँ, वो यूके के होंगे। मैं वैसे कह रहा हूँ कि 2 साल बाद अगर आप बहुत स्टेबिलिटी की तरफ चले जाएं तो फिर आप पाकिस्तान के अंदर, फिर वो एक दफा क्रेडेंशियल रजिस्टर हो चुके होंगे, जो स्टोर नेम रजिस्टर हो चुका है वो वही रहेगा, लेकिन आप इसको बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, कोई और ऑप्शन ना बचे ना, आप सबको कह रहा हूँ, कोई और ऑप्शन ना बचे तो अपने पे भी ट्राई करके देख, अगर कोई और ऑप्शन ना बचे तो। अब मेरे पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, मुझे अभी भी कोई कहे ना यार क्रेडिट कार्ड लेकर आना है, मैं अभी भी ले आऊंगा। मैंने उसको बोला अगर डेबिट कार्ड नहीं चल रहा तो उठाना, किसी का क्रेडिट कार्ड दे दूँ। तो आपके पास कोई ऐसे ऑप्शन हो तो आप उनको यूटिलाइज करें, अगर नहीं है तो फिर इंडिविजुअल की तरफ जाए। मेरे पास तो और डाउटफुल आ रहा है ना, मुझे वो वैसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मुझे वो एरर बहुत अजीब दे रहा है, कह रहा है रीडेबल नहीं, तो मैं किसी का क्रेडिट कार्ड भी भेज दूंगा, मुझे वही मिल जाए तो फायदा कोई नहीं है, समझ आ रही। तो पहले अपने ऊपर अटेम्प्ट करके देखें, अपने अपने नेबर्स के ऊपर, बहन के ऊपर, भाई के ऊपर, अम्मा के ऊपर, आगे पीछे, अगर चल जाता है तो वेल एंड गुड है, नहीं चलता सो फिर आप अपने ऊपर करके देखें, होपफुली कहीं ना कहीं तो चलेंगे ना यार। सर, ये हो सकता है जी जी के सर, डॉक्टर इब्राहिम बोल रहा हूँ जी जी, के जी जी, फर्ज कीजिए कि मैं अभी मैं मेरे पास डेबिट कार्ड तो सबके पास ही है मेरे, जी जी जी, मैं क्रेडिट कार्ड इशू करवा लेता हूँ, ठीक है ना जी जी, और वैसे जी तो मैं क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करता, लेकिन चले करवा लेता हूँ, और इसके ऊपर मैंने अपना ये सारा कंप्लीट कर लिया। हाँ जी, ठीक, लेकिन क्रेडिट कार्ड अगर बन जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी सारी जो ट्रांजैक्शन, जी सर,
तो वो एक वो कर लिया मैंने, क्रेडिट कंप्लीट कर लिया, चलो जी हो गया मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया कंप्लीट, आई गॉट एक्सेप्टेड। उसके बाद एक साल के बाद में क्रेडिट कार्ड अपना मैं कैंसिल करवा दूं कि भाई आई डोंट नीड, तो ये चलता रहेगा? नहीं डेफिनेटली फिर कोई ना कोई क्वेश्चन मार्क अमेज़न भी लगा देगा ना, क्योंकि वो आपको जो ट्रांसफर करेगा ना पैसे वो इसी अकाउंट में कर रहा होगा, तो अगर वो क्रेडिट कार्ड खत्म हो जाएगा तो अकाउंट नहीं सर, अकाउंट तो वही जब क्रेडिट कार्ड बीच में से निकल जाएगा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो आएगा ना। देखिए अमेज़न से सर इसमें थोड़ी सी इनपुट अगर दूं जी जी, इसमें सर एक मेरे कोई रेफरेंस थे तो उन्होंने ईबे अकाउंट अपना बनाया, पर ईबे अकाउंट इसी तरह बनाया कि वो मिक्स डिटेल्स डाली हुई थी किसी का क्रेडिट कार्ड और इस तरह करके, बट जब उनका स्टोर चल गया देन ईबे ने उनको वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने कहा जी वेरीफाई करें अपना पासपोर्ट करें अपना एड्रेस करें, तो ही वाज अनेबल टू वेरीफाई समथिंग, तो वो उनका उन्होंने बैन कर दिया। तो ये जो है जब आपने प्योर लॉन्चिंग करनी है अपना बनाना तो फिर बिल्कुल 100% अपनी अपनी चीजें जो है ना फेयर डालें। जब जब आपका आप हमेशा सेलर सेंटर अपना बनाने जा रहे होंगे उसकी तो सारी चीजें लादा होंगी, उसका ईमेल अपना जीमेल स्पेशल बनेगा, उसका स्पेशल जो क्रेडिट कार्ड होगा वो सिर्फ उसी अकाउंट के लिए यूज होगा, उसके अलावा और भी सारे क्रेडेंशियल अगर कोई हम किसी का पासपोर्ट यूज कर रहे हैं तो वो पासपोर्ट इतना स्पेसिफिक हमारे किसी कैंडिडेट का होगा जो सिर्फ इसी सेलर सेंटर अकाउंट के साथ यूज होगा, ऐसा नहीं होगा कि वो किसी और पे भी जाके उसी पासपोर्ट पे अप्लाई करता है, वो बनेगा भी नहीं और हमारे लिए भी अच्छी बात नहीं है कि हमारा हमारे क्रेडेंशियल कोई और यूज करे। सर इसमें एक और थोड़ी सी है कि अगर फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड का एक अकाउंट है अमेज़न का, उसकी पूरी क्रेडेंशियल्स है, इज इट पॉसिबल कि कोई दूसरा बंदा चेक कर सकता हो कि मतलब लाइक मैंने अपना अकाउंट रजिस्टर्ड कराया मेरी डिटेल्स, या कोई कोई बंदा अमेज़न के थ्रू चेक कर सकता है कि मैंने अपना स्टोर खोला हुआ मेरी क्या डिटेल्स हैं और नहीं, किस नहीं, नाम नहीं, से हैं और कौन सा बैंक अकाउंट कंसील हुआ था? नहीं चल सकते, वो सेम चाहिए, वो सेम चाहिए, मैं बता रहा हूँ आपको, एरर भी दे देगा कि क्रेडेंशियल पे नेम सही है। अगर हम किसी से कार्ड अगर हम किसी से क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं वो हमें तो नाम भी उसी का यूज, नाम भी उसी का यूज, बिल्कुल सारी वही डिटेल यूज होंगी, सारी जो उसके बैंक स्टेटमेंट पे नाम है वही, आईडी कार्ड भी उसी का होगा। हाँ डेफिनेटली हर चीज जो एड्रेस भी एड्रेस एड्रेस सब उसी का होगा, सब उसी का होगा डेफिनेटली सब कुछ। जो एक चीज जी जी सॉरी बार बार मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये इंडिविजुअल अकाउंट हम ओपन कर लेते हैं इसमें हम प्रैक्टिस किस चीज की करेंगे कि ये इट इज जरूरी, अगर मतलब ओरिजिनल भी कर लेते हैं लेट्स। एक तो ये होगा कि हमारे पास ये जो है ना पूरा हमें डैशबोर्ड नजर आ जाएगा, ये सेलर सेंटर अकाउंट है, ठीक है। फिर दूसरा हमें फायदा ये होगा, हमें पता चल जाएगा कहाँ क्लिक करना है, कहाँ से लिस्टिंग ओपन हो रही है, हम यूपीसी कोड तो नहीं डालेंगे तो अपलोड, लेकिन हम सारे फॉर्म स्टडी कर लेंगे, हम लिस्टिंग वैसे ही डाल के उसके अंदर देखते रहे कि कितने करेक्टर वो कर रहा है, 200 अलाउ कर रहा है, 300 कर रहा है, फिर हमने चाइल्ड अकाउंट कैसे बनाना होता है वो हम देख लेंगे कि चाइल्ड अकाउंट कैसे बनाना है, कंपेन अगर पीपीसी चलानी है तो चलानी कहाँ होती है, कहाँ से पीपीसी चलती है, चलेगी तो नहीं क्योंकि अभी हमारा वो नहीं हुआ होगा कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुई, लेकिन कम से कम हमें ये चीजें पता चल जाएगी, ठीक है, ये सारी चीजें आपके। अच्छा दूसरा ये है कि लेट्स से हम बना लेते हैं और इसमें हम उसको प्रैक्टिस के लिए यूज करते हैं, लेट्स से 6 महीने तक हमें कोई प्रोडक्ट हंडिंग होती है और हम लॉन्च नहीं करते, तो क्या ये तो नहीं है कि वो हमारा सेल अकाउंट जो सीज कर देगा? इंडिविजुअल को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन बिजनेस को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए तो अमेज़न ये कहता है, यूएसए वालों ने इसलिए तो कहा सेलर सेंट्रल अकाउंट बिजनेस खोलोगे हमें 8,000-7,000 रुपया महीना देना देना है, $39.9 हमें देने हैं, बाकी हमें नहीं पता जो मर्जी करना है, वो इसी को प्रिजर्व करने के लिए वो करते हैं, मतलब रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं लोगों को कि आप फजूल में ना खोलें, इसलिए तो बिजनेस कोई फजूल में नहीं खोलता, बिजनेस हम भी तब भी खोलेंगे जब हमें पता होगा अब हम रेडी हैं सोर्सिंग और लॉन्चिंग के लिए, हमने पहले खोल कर क्या करना है फजूल में पैसे भरने, इंडिविजुअल को कोई प्रॉब्लम नहीं। आई मीन के
मतलब इंडिविजुअल यानी कि अपना एग्जैक्ट खोल लिया जाए इधर पाकिस्तान से, कोई इशू नहीं है हाँ, अगर हाँ, खुलता तो। हाँ, डेफिनेटली। तो सर चाइल्ड अकाउंट होता है वो बिजनेस अकाउंट होता है। चाइल्ड अकाउंट बेसिकली क्या होते हैं कि आपका अकाउंट है, ये जो लोग टास्क देते हैं लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करने के लिए, फर्ज करें मेरा सेलर सेंट्रल अकाउंट है, मैं कहता हूँ यार मेरी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज कर। अब लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करने के लिए मैं उसको पूरा अकाउंट का लॉग इन पासवर्ड तो नहीं दे दूंगा, वो मेरे अकाउंट के अंदर जाए और उल्टी सीधी हरकतें करता रहे और पासवर्ड ही बदल दे, हो सकता है ना। तो मैं क्या करता हूँ, अमेजोन एक ऑप्शन देता है चाइल्ड अकाउंट बनाने का। चाइल्ड अकाउंट का अपना एक पासवर्ड वगैरह होता है, आप वो सेट करते हो और वो अकाउंट वो ईमेल वगैरह आपको देता है और आप उसको वो जो उनसे है ना पासवर्ड वगैरह नया चाइल्ड अकाउंट का बनाकर एक फॉर्म फिल करते हो, आप चाइल्ड अकाउंट का पासवर्ड बनाकर उसको दे देते हो, वो उसी आपकी ईमेल से वो वाला पासवर्ड डाल के लॉगिन तो हो जाता है, लेकिन उसके पास रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, वो सिर्फ लिस्टिंग ऑप्टिमाइज कर सकता है, वो और कोई काम नहीं कर सकता, वो कोई और काम कर जैसे पेरेंट कंफर्म, बच्चों के लिए जो चाइल्ड अकाउंट जैसे पेरेंट कंफर्मेशन अकाउंट होता है गूगल पे जो बनता है, ऐसे ही है वो रिस्ट्रिक्शन होती है उसके अंदर, चाइल्ड अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड अकाउंट होते हैं। अच्छा सर, दूसरा ये है कि जो बैंक स्टेटमेंट है और क्रेडिट कार्ड है, लेट से कि एक मैं अभी अकाउंट ओपन किया है जिसको अभी 2 मंथ्स भी नहीं हुए और उसमें ट्रांजैक्शंस भी 1 लाख तक है, तो क्या उसमें कोई अमाउंट स्पेसिफाई अमेज़न चेक करता है? अमाउंट स्पेसिफाई होना जरूरी नहीं है, लेकिन एक मेरा दोस्त था उसकी उसने एरर दिया था कि अकाउंट जो है ना जो स्टेटमेंट आपने दी है वो कम्प्लीट नहीं, हालांकि वो कम्प्लीट थी, उसमें 2-3 ट्रांजेक्शन हुई थी। तो खैर, लेकिन आप अप्लाई तो करें ना, एरर तो देखना शुरू करें। अब ये वो एरर नहीं, मैं वो जी, ये वो चीजें कुछ होती हैं पता, कुछ वो हिडन जब आप काम करते हैं तभी पॉप अप होती हैं। नहीं नहीं, कोई इस तरह का नहीं है। ठीक है यार, आखिरी मिनट चल रहा था, किसी और की कोई क्यूरी है तो ग्रुप पे कर ले आके।